अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन पकोड़ा। ये देखें, ये मैंने चिकन लिया था और इसको नमक सिरका पानी लगा के आधा घंटा डिप करके रख दिया। अब हम इसको छान के धो लेंगे। ये मैंने पानी पकने रखा है, इसके अंदर हम डालेंगे 2 अदद बड़ी इलायची, 2 से 3 अदद दालचीनी की और 2 अदद बादियान के फूल। अब इसके अंदर हम चिकन डाल देंगे। मैंने 1 kg चिकन लिया है, इसको 5 मिनट पकाएंगे। ये देखिए, हमारा चिकन आधा नरम हो गया है, आधा हमने वैसे ही रखा है। अब हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए, हमने चिकन को पूरी तरह नरम की नहीं किया, आधा नरम किया है। अब हम इसके अंदर नमक डालेंगे, हसबेदा का लेमन डालेंगे 2 से 3 अदद, 1/2 टीस्पून डालेंगे रेड चिली पाउडर का, 1/2 टीस्पून डालेंगे हल्दी का, थोड़ी सी डालेंगे खुशक मिर्ची, 1/2 टीस्पून इसके अंदर जाएगा जीरे पाउडर और अजवाइन का। अब हम इसके अंदर डालेंगे बेसन, लेकिन बेसन हमने बहुत लाइट सा डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना। 2 चम्मच इसके अंदर डालेंगे मैदे के। अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे थोड़ा सा पानी डाल के। टीस्पून इसके अंदर हम तिल का डालेंगे। ये देखें, हमारा मसाला लग गया है। अब हम 2 घंटे बाद इसको फ्राई करेंगे। ये देखें, अब हम 8 से 10 मिनट चिकन को फ्राई करेंगे।